हैं, मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत मिल गई है। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है राहुल गांधी को। कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। अब से थोड़ी देर पहले कोर्ट पहुंचे थे। 2018 में राहुल गांधी ने यह बयान दिया था जो कि विवादित बयान था और उसी को लेकर याचिका लगाई गई थी राहुल गांधी के खिलाफ। बयान दर्ज जो बयान जो दिया गया राहुल गांधी ने, उसके खिलाफ दर्ज किया गया केस। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान गृहमंत्री अमित शाह को लेकर एक अभद्र टिप्पणी राहुल गांधी ने की थी। राहुल गांधी जी ने 8/5/2018 को कहा था, अमित शाह हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, द सुप्रीम कोर्ट देमसेल्व्स हैव मेंशन द लोया केस, सो आई डोंट थिंक अमित शाह हैज ए लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी, लेट्स लुक इनटू हिज बैकग्राउंड, लेट्स सी व्हाट इज रिस्पांसिबल फॉर, लेट्स सी हाउ ही डज पॉलिटिक्स, एंड आल्सो डोंट फॉरगेट दैट ही इज मर्डर अक्यूज्ड, दिस इज फंडामेंटल, पीपल ऑफ इंडिया फॉरगेट दैट द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी इज ए मर्डर अक्यूज्ड। इस तरह से उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, उसी पर इनकी जो वीडियो क्लिप दाखिल हुई थी और जो गवाहों का बयान हुआ था उसको कंसीडर करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने इनकी तलबी किया था। राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर है और बड़ी राहत राहुल गांधी को मिल रही है। अपनी यात्रा लेकर इस समय भारत जोड़ो नियात यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और अब देखिए आज की इनकी हाजिरी बेहद ज़रूरी थी, कई मायनों में अहम मानी जा रही थी कि आखिरकार कोर्ट में क्या कुछ फैसला निकल कर आता है। और अब बड़ी राहत राहुल गांधी को दे दी गई है। विवादित बयान पर राहुल गांधी को ये बड़ी राहत दी गई है मानहानि के मामले में सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से। थोड़ी देर पहले, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब राहुल गांधी पहुंचे थे यहाँ पर कोर्ट में और कोर्ट की हियरिंग के दौरान मौजूद रहे राहुल गांधी कोर्ट में। अब एक बड़ा फैसला निकल कर आया है, बड़ी राहत राहुल गांधी को मिल गई है। 2018 में आपने सुना था किस तरह से चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, विवादित बोल बोले थे, उसी के एवज में ये शर्त, ये जो शिकायत है वो दर्ज कराई गई। और अब आज सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे राहुल गांधी, एक बड़ी राहत लेकिन राहुल गांधी को मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश में इस समय डेरा जमाए हुए हैं। पप्पू पांडे और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पप्पू, कोर्ट में क्या हुआ आज, राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है आज? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से आज एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में तलब किया था, राहुल गांधी अमेठी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीच में छोड़कर सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे जहां वो कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे और राहुल गांधी जब कोर्ट में पेश हुए तो राहुल गांधी के अधिवक्ता ने पूरे मामले पर बहस की और इस दौरान राहुल गांधी ने स्वयं को निर्दोष बताया, कहा मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी कोई गलती नहीं है। पूरे मामले पर अदालत की तरफ से राहुल गांधी को फिलहाल जमानत उनकी मंजूर कर ली गई है और इस मामले को लेकर के जो राहुल गांधी हैं उन्होंने कोर्ट से, न्यायालय से साफ साफ कहा कि मैं बेकसूर हूं, मेरी कोई गलती नहीं है। सिर्फ ये हुआ उसके बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट परिसर में पहुंचे हुए थे और खास बात ये रही कि जिस दौरान राहुल गांधी वहां पहुंचे वहां बड़ी संख्या में जो लोग थे कोर्ट परिसर में उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाते हुए नजर आए। जो इस दौरान राहुल गांधी के साथ जो लोग थे वो थोड़ा सा कमजोर पड़े जब वहां पर जय श्री राम के नारे लगने लगे, लेकिन फिलहाल आज वो एमपी एमएलए कोर्ट ने जिस तरीके से उनको तलब किया था वो कोर्ट पहुंचे और अपना पक्ष रखे। इस दौरान राहुल गांधी ने बार बार न्यायाधीश से कहा कि मैं बेकसूर हूं, मेरा कोई दोष नहीं है। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने पूरे मामले पर बहस की और जिसके बाद न्यायालय ने राहुल गांधी की जमानत को मंजूर कर लिया है। पप्पू पांडे, लौटती हूँ आपके पास, तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। ये तस्वीरें देखिए, ये राहुल गांधी के कोर्ट परिसर में पहुंचने के पहले की तस्वीरें हैं। भारी संख्या में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ पहुंचे, दूसरी तरफ बीजेपी पक्ष के लोग भी वहां पर मौजूद थे और जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए। आप एक बात ध्यान रखिएगा, राहुल गांधी जहां जहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर जा रहे हैं वहां सब जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जयकारे लगते हैं और जय श्री राम के भी नारे लगते हैं। एक बार फिर से
सुल्तानपुर से भी अब ऐसी ही गूंज सुनाई दी है, जहां पर राहुल गांधी जब कोर्ट में मौजूद रहे तो जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए। हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि कोर्ट के अंदर जिस समय हियरिंग चल रही थी तो राहुल गांधी ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है, वो बेकसूर है। और अब इसी बात को सुनते हुए कोर्ट ने अपनी तरफ से ये जमानत भी राहुल गांधी को दे दी है, लेकिन आगे भी आगे सुनवाई जो होनी है उस पर राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना होगा। 2018 का वो बयान जो राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा में दिया वो उनके गले की फांस बन गया। बार बार उनको पहुंचना पड़ रहा है सुल्तानपुर MP MLA कोर्ट हाजिरी के लिए और कोर्ट की सुनवाई के दौरान। इसी के लिहाज से आज का ये दिन भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। राजनीतिक लिहाज से आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तरफ कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी और दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। तो आज की बड़ी खबर, राहुल गांधी को मिली है बड़ी राहत। मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत दी गई है।